हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन गंगटोक की, जो कि सिक्किम में है। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा या कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि सिक्किम हमारा जो है वो 1947 में जो इंडिया आज़ाद हुई थी तो सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, और इंडिया में सिक्किम जो है वो शामिल हुआ है 16 मई 1975 को। उससे पहले सिक्किम अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और उसके बाद जो है सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ है। तो सिक्किम बहुत ही खूबसूरत है, गंगटोक जिसमें कि खास कर से मैं आपको सिक्किम की कैपिटल है, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए, इंडिया में है ही नहीं। खास कर से MG रोड बहुत ही खूबसूरत है, जो कि सारे उसमें बहुत सारे गमले, फूल, फ्लावर्स एक्सेट्रा हैं, तो घूमने में जो है काफ़ी अच्छा लगता है। वाहनों का एंट्री वहाँ बंद है, आप केवल पैदल ही आपको जाना होता है, और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे नज़ारा रहता है। चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं वो भी पुराने स्टाइल्स की हैं, प्लस आपके रोड एकदम नीट एंड क्लीन, प्लस बहुत सारे फ्लावर्स। सो ओवरऑल इट्स ए वेरी नाइस प्लेस टू विजिट। अब बात करते हैं कि सिक्किम में गंगटोक जाया कैसे जाए, तो मैं आपको बताता हूँ इसका। मैं 5-day प्लान बताता हूँ जो मैंने किया था। मैंने 6-day किया था, एक दिन मेरा एक्स्ट्रा भी मैंने रखा था घूमने के लिए, बट जो आप अगर टाइट आपका शेड्यूल है तो आप 5-day में भी ये कवर कर सकते हैं। और 5-day प्लान जो है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग NJP से। NJP हम कहीं से भी पहुँच सकते हैं, वाया ट्रेन पहुँच सकते हैं या वाया फ़्लाइट हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। दिल्ली से फ़्लाइट है बागडोगरा एयरपोर्ट की, कलकत्ता से फ़्लाइट है। तो बागडोगरा एयरपोर्ट अगर आप बाय एयर आते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट आइए, और अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरिए। क्योंकि मैं पटना से गया था तो मेरे लिए कन्वीनियंट था कि मैं NJP यहाँ से चला गया, जो कि ओवरनाइट जर्नी थी। तो मॉर्निंग में NJP पहुँच के वहाँ, या बागडोगरा पहुँच के वहाँ से आपको टैक्सी करनी है। टैक्सी अराउंड आपका 120 किलोमीटर है, 2,500-2,000 रुपये के आसपास चार्ज करेगी न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक, और ये आपको टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 and 4.5-5 घंटे का टाइम लगता है। बिकॉज रोड्स जो हैं वो आपके घुमावदार हैं, और तिस्ता नदी आपको पूरी रास्ते आपको मिलेगी, आपके साथ साथ जो है वो फ्लो करती हुई नीचे। तो आपको ये सफ़र भी बहुत ही आनंददायी रहता है। आप तिस्ता को देखते जाइए और अपना सफ़र तय कर लीजिए। बीच में कहीं रुक के आप लंच वगैरह ले सकते हैं, हमने भी यही किया था, लंच लिया और शाम में हम गंगटोक पहुँच गए। सो शाम जो है वो उस दिन क्रिसमस था जिस दिन हम गंगटोक पहुँचे। हमने शाम MG रोड पर बिताई। MG रोड क्रिसमस के दिन बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड था, चारों तरफ सेंटा क्लॉज लगे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत जो है वहाँ पर नज़ारा लग रहा था। फ्लावर्स एज यूजुअल वहाँ पर हमेशा की तरह मौजूद थे। वहीं पर डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे हमने जो है अपना तैयारी का, घूमने की तैयारी की कि अब हमको कहाँ जाना है। तो पहला दिन हम चूँकि थोड़ा थके हुए थे, तो हमने जो Day 2 था उसमें हमने डिसाइड किया कि हम लोकल साइट सीइंग करेंगे। सो लोकल साइट सीइंग वहाँ पर एक दिन का टूर होता है, आप 2 दिन में इसको कवर करें क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो हमने भी कुछ पॉइंट एक दिन पहले दिन किए थे और कुछ पॉइंट दूसरे दिन कवर किए थे। तो पहले दिन आप जो पॉइंट कवर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तासी व्यू पॉइंट एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, जहाँ से कि आपको व्यू बहुत खूबसूरत मिलता है, वहाँ आप जा सकते हैं। आप वनजाखड़ी फॉल जा सकते हैं। वनजाखड़ी फॉल्स जो है उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है, जिसको आप मेरे जो मैंने वीडियो दिया है माय गंगटोक ट्रिप का, उसमें देख भी सकते हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ एक गार्डन भी है घूमने के लिए, उसको घूम सकते हैं। तो वहाँ आप 1-2 घंटे आराम से बिता सकते हैं। उसके बाद 2 बहुत खूबसूरत टेम्पल हैं, एक हनुमान जी का है हनुमान टॉक जिसको बोलते हैं, और एक जो है गणेश जी का, इसको गणेश टॉक बोलते हैं। तो दोनों ही मंदिर आप कवर करिए तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और वहाँ से जो ऊपर मंदिर से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो बेसिकली आपका डबल पर्पस सॉल्व हो रहा है, मंदिर में आप भगवान के दर्शन भी करेंगे और वहाँ से व्यू भी देख लेंगे। इसके बाद एक मॉनेस्ट्री है वो कि जिसका नाम चार्टन मॉनेस्ट्री है, डोडरल चार्टन मॉनेस्ट्री बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी है, वो रास्ते में पड़ती है, उसको घूम सकते हैं। एक एंची मॉनेस्ट्री है वो देख सकते हैं, और उसके बाद वो एक फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर है, उसको ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स रहते हैं। और जो फ्लावर फेस्टिवल गंगटोक में होता है वो वहीं पर होता है, और उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स हैं जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, और शाम को फिर MG रोड पर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, और डिनर वगैरह वहाँ पर आप ले सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं।
वहाँ से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं दूसरे दिन के लिए, और टैक्सी जो कि एडवांस में बुक करनी होती है चांगू लेक नाथुला के लिए, जो परमिट वगैरह अरेंज करते हैं, तो आप ये सेकेंड डे जो है वो थर्ड डे के लिए अपना टैक्सी बुक कर लीजिए। और वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ नॉर्मली नहीं जाती हैं नाथुला में, और आपको बड़ी कोई इनोवा स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी बुक करनी होती है तो उसके चार्जेस काफ़ी हाई रहते हैं। 7000 रुपीज़ थे चार्जेस जो हमने बुक की थी, और उसमें नाथुला पास आपका और बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल और चांगू लेक, ये तीन स्पॉट कवर हो जाते हैं। तो आप अगर सर्दियों में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बर्फ़ मिलेगी नाथुला पे, और चांगू लेक पे भी आपको काफ़ी बर्फ़ मिलेगी। बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल पे भी काफ़ी बर्फ़ थी, और हम जब गए थे तो उस समय भी बहुत बर्फ़ थी, और वहाँ पे जो नदियाँ थीं वो इतनी ठंड थी कि नदी सारी जो है जमी हुई थी, आइस फ्रोजन, पूरा आपको नदी के ऊपर आइस दिख रहा था। और एक वाटरफॉल है बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल के पास ही है, काफ़ी वहाँ पर थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर जाके, है शंकर जी का मंदिर है, तो वाटरफॉल भी पूरा फ्रीज हो गया था, और फ्रीजिंग वाटरफॉल मैंने पहली बार देखा था। फ्रीजिंग लेक भी जो है मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी थी, और फ्रीजिंग वाटरफॉल भी फर्स्ट टाइम देखा था, तो एक अद्भुत नज़ारा था। और उसके अलावा नाथुला पास आप जा सकते हैं, वहाँ पे बॉर्डर है चाइना के साथ, तो वो देख सकते हैं, वहाँ पे भी बर्फ़ रहती है सर्दियों में काफ़ी। अभी आजकल जो है चांगू लेक पर ट्रॉली भी चल गई है, तो उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। उसके बाद डे थ्री कंप्लीट होता है, और डे फोर में हम जो है एडवाइस करेंगे कि आप रामटेक मॉनेस्ट्री, बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है, वहाँ पर चले जाएं। एक वक्तंग वाटरफॉल है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा रोप वे है, रोप वे बहुत खूबसूरत है, उसमें काफ़ी सारे 20-25 लोग जो है खड़े होकर रोप वे में जाते हैं, और उस रोप वे से भी नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। रोप वे पूरा सिटी के ऊपर से निकलता है, नीचे गाड़ियाँ जो है गंगटॉक में घूमती हुई दिखेंगी, और वहाँ से आप रोप टैक से जाना और आना दोनों से जो है गंगटॉक के बहुत ही नेचुरल सीन्स का आनंद उठा सकते हैं, तो ये ज़रूर जाएं, ये भी बहुत अच्छी जगह वहाँ पे है। और उसके बाद एमजी रोड में अपना शॉपिंग वॉपिंग करिए, और बाकी वक्त जो है एमजी रोड में आप बिता सकते हैं। तो डे फाइव जो है आप वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं एनजेपी के लिए, और मॉर्निंग में आप चलेंगे तो आप दो करीब 4-4.5 घंटे में आप वापस आ जाएंगे, 5 घंटे करीब लगते हैं, 5 घंटे, और बल्कि 1.5 घंटे का आप मार्जिन लेके चलिए, एनजेपी आ जाइए। एनजेपी से आप अगर बागडोगरा आते तो बागडोगरा से आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं वापसी की, या एनजेपी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो ये तो 5 डे प्लान है जिसमें कि आप आराम से गंगटॉक घूम सकते हैं। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप 7-8 दिन का प्लान बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप नॉर्थ सिक्किम चले जाएँ। नॉर्थ सिक्किम में जो है लेचंग लाचेन और यमथंग वैली का बेसिक्स रहता है। ये नॉर्मली आप मैं एडवाइस करूँगा कि 2 नाइट्स 3 डे वाला टूर करें, वहाँ आपको लाचेन और लाचंग में होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ रुक जाएं, और आप वहाँ से जो है 0 पॉइंट देख सकते हैं, वहाँ से यमथंग वैली देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप गोडोमगर लेक है उसका जो लुत्फ़ उठा सकते हैं। तीनों ही जगह बहुत खूबसूरत है, और तीनों ही जगह बहुत बर्फ़ होती है, बस ये थोड़ा रोड्स ख़राब है और जाने आने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आपको वहाँ पे अगर 120-130 किलोमीटर जाना है तो 7-8 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक थकान वाला जर्नी हो सकता है। तो इसके लिए ये है कि आपको 2 नाइट वहाँ पे लाचेन या लाचंग दोनों में से किसी भी एक जगह आप होटल बुक कर लीजिए, और जिस दिन एक दिन आप जाने में लगेगा आपको, और रात में आप रुक जाइए, दूसरे दिन आप घूमिए सारे पॉइंट्स घूम लीजिए, और तीसरे दिन जो है आप वापस आइए, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। लोग टाइट शेड्यूल में 2 दिन में भी करते हैं, वो बहुत टाइट और बहुत हैक्टिक हो जाता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका नॉर्थ सिक्किम जाने का मन नहीं है, तो सिक्किम में बहुत सारी जगह और भी हैं। आप साउथ सिक्किम में नामची एक जगह है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो एक दिन का टूर होता है, उसको आप कर सकते हैं, तो वो भी जो है गंगटॉक से एक एडवाइजेबल टूर है। और उसके अलावा अगर आप पेलिंग जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आप पेलिंग का भी एक दिन का टूर कर सकते हैं, तो वो भी आप मॉर्निंग में जाके और इवनिंग में लौट सकते हैं, या आप एक दिन पेलिंग में स्टे भी कर सकते हैं। तो गंगटॉक जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। आप अपना प्लान अगर आपको फर्स्ट टाइम ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से आप एक वीक का प्लान बनाइए, तो आप उसमें नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम कवर कर सकते हैं 8-9 दिन में। और अगर आपके पास टाइम कम है, तो बेसिक जो मेन 5 दिन का जो टूर मैंने आपको इनिशियली बताया था, आप उसके हिसाब से प्लान करिए, तो आप अपना ये जो मेन गंगटॉक का एरिया है वो आप कवर अप कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आगे भी अगर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हैं, मेरे टूरिज्म वीडियो जो मैंने घूमा है उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताता रहूँगा। आप जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।